वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मॉडर्न चेस और शतरंज के बीच में जो रूल डिफरेंसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो शतरंज को आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा, जो हम इंडिया में चेस खेलते हैं घरों में, एक्चुअली वो मिक्सचर है इंटरनेशनल चेस, शतरंज और चतुरंगा के रूल्स का कुछ कुछ, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए शतरंज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले नाम, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए, जो पहला पीस आपके सामने पड़ा है, आप जानते हैं हम क्या करते हैं, इसको रानी बोलते हैं। शतरंज में होता था वज़ीर। दूसरा ये ऊँट होता है, शतरंज में इसका नाम होता था हाथी। और तीसरा ये हाथी बोलते हैं इसको हम मॉडर्न चेस में, लेकिन शतरंज में इसका नाम होता था रथ। तो आपको ये हाथी ध्यान रखना है कि शतरंज में किस पीस का नाम हाथी था और मॉडर्न चेस में हम हाथी किस पीस को बोलते हैं। दूसरा, हम मूव समझते हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मूव हम समझते हैं बिशप के बारे में। अब बिशप क्या होता है, देखिए मॉडर्न चेस में इसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं डायगनली किसी भी डायरेक्शन में, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जा सकता है और इन दो प्यादे ब्लैक प्यादों को ये मार सकता है। शतरंज में इसकी क्या मूव होती है, शतरंज में डायगनली होती है किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ टू स्टेप्स चल सकता है और वो भी एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या है, आप एग्जैक्ट का मतलब पूछोगे तो एग्जैक्ट का मतलब ये है कि ये सिंगल स्टेप नहीं चल सकता, सिर्फ टू ही स्टेप्स इसको चलने हैं, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। अगली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए इसके बारे में, इसकी मूव के बारे में, हम जानते हैं कि मॉडर्न चेस में जो ये है ये किसी पीस के ऊपर से जंप नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन शतरंज में जंप कर सकता था, मतलब इसने टू स्टेप्स चलने हैं ना, तो पहले स्टेप पे अगर कोई बैठा भी है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जिसने इसको दूसरे स्टेप पे जो भी बैठा है उसको मार सकता है। एग्जांपल लेके हम समझते हैं, तो ये मॉडर्न चेस के बोर्ड पर चलते हैं और एक ये शतरंज के बोर्ड पर हम चलते हैं। देखिए मॉडर्न चेस में क्या है, बीच में इसके एक वाइट पैदा बैठा है, अपना ही सैनिक बैठा है, तो आगे जो दो स्पेसिस हैं ये आगे नहीं जा सकता इसके बियॉन्ड, हम जानते हैं आज के रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो लेकिन शतरंज में क्या होता था, अब जैसे इसके बीच में एक वाइट सैनिक बैठा भी है और आगे एक और जो ब्लैक प्यादा बैठा है तो जंप करेगा और उसको ये मार देगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगली चीज़ हम जानते हैं पॉन या प्यादे की चाल क्या होती है। देखिए चाल वही होती है, सिंगल स्टेप आगे चलना, टेढ़ा मारना, लेकिन जो डबल स्टेप होते हैं ना, पहले स्टेप पे हम चल सकते थे पॉन को, आज के टाइम में शतरंज में ये वाला जो मूव है वो अलाउड नहीं होता। फ्रेंड अगली चीज़ हम चलते हैं वज़ीर की चाल, यहाँ पे आपको बड़ा शौक लगने वाला है अगर आप नहीं जानते इसे रूल्स के बारे में। मॉडर्न चेस में आपके सबसे इंपॉर्टेंट पीस मानते हैं इसको, हम रानी बोलते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आगे पीछे दाएँ बाएँ डायगनली मल्टीपल स्टेप्स चल सकती है, लेकिन शतरंज में इसके क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल स्टेप, सिर्फ सिंगल और वो भी सिर्फ डायगनली, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए वज़ीर की चाल डिफरेंस होती है। तो फ्रेंड जो एक कैसलिंग होती है मॉडर्न चेस में, कैसलिंग क्या होती है, जो राजा और हाथी के बीच में जो पोजीशंस चेंज होती हैं उसे कैसलिंग बोलते हैं, लेकिन शतरंज में ये मूव अलाउड नहीं होता। फ्रेंड अगली चीज़ हम समझते हैं प्रमोशन, यानी कि प्यादा जो अपने बड़े पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है, अब वो कैसे डिफरेंस होता है। देखिए हम जानते हैं मॉडर्न चेस में क्या है, वो किसी भी पीस में कन्वर्ट हो सकता है, हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, चाहे रानी है, लेकिन शतरंज में क्या होता है, जब भी आता है ये सिर्फ वज़ीर या फिर रानी में कन्वर्ट हो सकता है और किसी पीस में नहीं। अब हम समझते हैं स्टेलमेट। स्टेलमेट में आपको दोबारा बता देता हूँ क्या होता है स्टेलमेट। देखिए ब्लैक राजा को देखिए, अब जहाँ पे बैठा है ना, अभी इसको कोई भी मार नहीं सकता वाइट सेना का कोई भी पीस, लेकिन अभी इसकी बारी है और इसने कहीं पर चलना है ना, अब देखिए जहाँ भी चलेगा या फिर दूसरे सेना किसी पीस को मारेगा तो ये हर स्टेप पर मारा जाएगा, तो इसी कंडीशन को स्टेलमेट बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंटली वो सेफ है लेकिन चलेगा तो वो मारा जाएगा। अब मॉडर्न चेस में क्या होता है, स्टेलमेट में स्टेलमेट ड्रॉ होता है हम जानते हैं, लेकिन शतरंज में जो स्टेलमेट है उसमें जीत मानी जाती है, यानी कि इस केस में जीत किसकी होगी, वाइट प्लेयर की, लेकिन मॉडर्न चेस के हिसाब से ये गेम ड्रॉ है। तो हम जान लेते हैं मॉडर्न चेस में क्या होता है, हम चेकमेट से जीतते हैं हम जानते हैं, तो शतरंज में क्या क्या होता है, चेकमेट से जीत सकते हैं हम, स्टेलमेट से जीत सकते हैं। अच्छा, एक में तीसरी एक कंडीशन और होती है शतरंज में जो हम जीत सकते हैं, वो है बेयरिंग द किंग। इसका मतलब क्या है कि आपने दूसरी सेना के सारे पीस मार दिए, सिर्फ किंग अकेला बचा है, किंग अकेला बचा है तो अभी वो मैच को जीत नहीं सकता शतरंज के हिसाब से, तो ये तीसरी कंडीशन होती है जहाँ पे हम शतरंज को जीत सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है मॉडर्न चेस में आजकल या तो कोई दूसरा प्लेयर रिज़ाइन कर दे या फिर टाइम लिमिट वाला हम मैच खेल रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज सिर्फ चेकमेट ही होता है मॉडर्न चेस में दूसरी टीम को हराने का तरीका। तो दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए मूव्स होते हैं, इन तीन पीसेस के मूव्स आपको पता होने चाहिए क्या क्या डिफरेंस है। दूसरा जो है कैसलिंग है वो मॉडर्न चेस में होती है, शतरंज में नहीं होती है।
प्रमोशन मॉडर्न चेस में किस में हो सकती है? वजीर में हो सकती है, ऊँट में हो सकती है, घोड़े में हो सकती है या हाथी में हो सकती है, लेकिन शतरंज में सिर्फ वजीर में ही हो सकती है। और फाइनली स्टेलमेट, मॉडर्न चेस में ड्रॉ होता है मैच और शतरंज में मैच जीता जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।